फोर्ट को महाराजा जैसल सिंह ने 12 जुलाई 1156 में बनवाया था, और इत्तेफाक देखिए आज 12 जुलाई 2024 है, इसको 800 से 850 साल हो गया, और मेरू पर्वत के ऊपर इस फोर्ट का निर्माण कराया था। राजस्थान का सबसे पुराना दूसरे नंबर का किला है, पहले नंबर पर आता है चित्तौड़गढ़। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जी। नमस्कार, महेश चंदानी मेरा नाम है। महेश चंदानी अंकल ने देवानंद जी को भी गाइड किया यहाँ पर, कौन सी सन में किया था? 1999 में देवानंद जी आए थे, तब मैंने इनको भ्रमण करवाया था। ये किला वो पीछे सफेद व्हाइट सिंहासन देखो पीछे आप, सदियों पुरानी परंपरा है। यहाँ पर क्या दशहरा का मेला होता है ना, आज भी होता है, लेकिन पुराने जमाने में दशहरा के मेले में ये लोग क्या करते थे राजपूत, तो मालूम है आपको? अपनी माँ चामुंडा देवी का मंदिर है, इस देवी को खुश करने के लिए ये राजपूत लोग क्या करते थे, हजारों लोगों के सामने, बच्चों के सामने एक भैंसे को पकड़ के लाते थे, भैंसा या जानवर होता भैंसा या पड़ा, उसको वहाँ सार्वजनिक रूप से खड़ा करके हजारों लोगों के सामने, बच्चों के सामने और राजा और मंत्रियों के सामने यहाँ पर भैंसे की ये बलि काटते थे, सार्वजनिक काटते थे। 1971 में ये मेला धूमधाम से मना रहे थे ना, तब हमारे राजा रघुनाथ सिंह जी वहाँ बैठे होते, तब उस दिन हजारों लोगों की भीड़ में यहाँ पर एक स्वर्गीय सांसद 1971 में सुनील दत्त एक फिल्म बनाने आए थे जिसका नाम था रेशमा और शेरा। तो उन्होंने जब ये बलि प्रथा को आम जनता के सामने देखा ना, तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो गए नीचे और सुनील दत्त नीचे से अपना शूटिंग वाला कैमरा उठा के ऊपर ले आए और वहाँ ले जाकर पीछे ले जाकर खड़ा कर लिया और वहाँ खड़ा कर लिया अपना कैमरा, और वहीं से रेशमा और शेरा के एक शॉट एक दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब आप रेशमा और शेरा फिल्म देखेंगे ना, उसमें हमारे राजा रघुनाथ सिंह जी यहाँ बैठे नजर आएंगे और हजारों लोगों के सामने और बच्चों के सामने राजस्थानी पोशाक पहने हुए सुनील दत्त साहब वहाँ भैंसे को काटते हुए नजर आते हैं। तो वो फिल्म जब बनकर रिलीज हुई ना, उसी दिन इंदिरा गांधी सरकार की नज़रों में आ गई और इंदिरा गांधी सरकार ने इस मेले पर ही पाबंदी लगा दी, बोल दिया इनको कि मेला बंद करो, आओ ऊपर आओ। अब अपन पैलेस में आ गए हैं, पैलेस में आप देखेंगे, पहला जो आप दृश्य देखेंगे ऊपर जो आप ये झरोखा ये बालकनी है देखेंगे ऊपर, ये राजपूत और मुगल शैली है, ये दोनों की संमिश्रण शैली है, और एक्चुअल में वो डांसिंग रूम है पुराना। अब पहला जो रूम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ आपको प्राचीन शस्त्र और भक्तर देखने को मिल आएंगे। हमारे राजा ये चाहते थे जो भी आए वो झुक के आए, इसीलिए ये छोटे हुआ करते थे, और पुराने जमाने में जलवायु को देखते हुए छत जो बनाई गई है वो लकड़ी की बनाई गई है, वुड लकड़ी की छत है, ऊपर पत्थर है, और ये उस जमाने की रेगिस्तानी बंदूक, इनको ऊँटों के ऊपर रखकर चलाया जाता था और ऐसी हजारों बंदूकों में गोलियां नहीं भरते थे, पीछा हुआ जो गन पाउडर होता था उनको ठूस ठूस के भरते थे, और जब सैनिक युद्ध करने जाते थे तो सिर पे टोप धारण करके जाते थे, कमर पे कटारे बांध के जाते थे, और यही वो प्राचीनकालीन रियासतकालीन तलवारें हैं, इन्हीं तलवारों के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के सैनिकों से लड़ाई लड़ी गई थी, और ये क्या उस जमाने में आदतन अपराधी और आवारा पशुओं को मारे जाते थे, और ये उस जमाने की रिवॉल्वर है, उस जमाने की पुरानी प्राचीन रिवॉल्वर, और ये जो आप देख रहे हैं इनमें ये जानवरों के सिंह हैं। प्राचीन समय में बारूद को अगर खुला रखते थे तो बारूद सड़ जाता था, खराब हो जाता था, लेकिन जब बारूद को इनमें भर के रखते थे तो बारूद सेफ्टी और सुरक्षित रहता था, और ये उस जमाने की लंबी बंदूकें हैं। अब ऐसी बंदूक चलाने के लिए सेकेंड दर्जे के सैनिक हुआ करते थे जिनको वह हेलमेट प्राप्त होती थी, और यहाँ आप ये देखेंगे खंजर, इन खंजरों का इस्तेमाल छापा मार युद्ध में इस्तेमाल करके मारते थे, धनुष भगवान कृष्ण जी श्री कृष्ण जी रखा करते थे। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने पूरे इंडिया में 9 राजधानियां बनाई हैं, 9 राजधानियां, काशी मथुरा गजनी बटनेर दिगम बिलावर ये सारे लॉर्ड कृष्ण की राजधानियां हैं, जैसलमेर उनकी नमी है, और यही कारण है कि यहाँ के लोक कलाकार ये गुनगुनाते हैं और गाते हैं कि काशी मथुरा गजनी और बटनेर दिगम देरावर लो दरवो नमो जैसलमेर, नमा जैसलमेर है यदु वंशों का कृष्ण वंशों का। ये एक छोटा सा कमरा देख के आइए, आप भीतर देख के आइए, महल को अभी खोला गया, ये पहले महल बंद था हमारा, कई वर्षों बाद खोले गए हैं, कई सालों के बाद इनको खोला गया है, ये सारे रूम पहले बंद थे, बाद में खोले गए हैं सब। अब यहाँ आप देखेंगे रणभेरी, कोई भी युद्ध हो तो यहाँ से युद्ध की घोषणाएं की जाती थी, ये वो जमाने थे तो यहाँ से युद्ध की घोषणा करते थे। और अब आप देखेंगे त्रिपोलिया महल, यहाँ 3 दरवाजे हैं, इसको त्रिपोलिया महल बोलते हैं। अब इसको त्रिपोलिया महल क्यों बोलते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो ऐसा है
कि राजाओं के जमाने में घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। राजाओं के जमाने में राजमहल की छत के ऊपर पत्थर की बनी हुई सूर्य घड़ी हुआ करती थी, जो आज भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो सूर्य घड़ी से राजाओं के जमाने में समय देखते थे। अब जैसे ऊपर सूर्य की किरणों में 3 बजे हैं, तो सैनिक दौड़ के यहाँ आते थे। यहाँ बड़े बड़े नगाड़े और ढोल होते थे। अब ऊपर सूर्य की किरणों में 3 बजे हैं, तो यहाँ पर त्रिपोलिया महल में आकर जोर से 1, 2, 3। अगर ऊपर सूर्य की किरणों में 4 बजे हैं, तो सैनिक त्रिपोलिया महल में आकर जोर से 1, 2, 3, 4। तब दुर्ग के लोगों को टाइम का एहसास होता था कि अभी कितना बजा है। और वो गोल पत्थर, बेलनाकार आकार के पत्थर प्राचीन समय में दुश्मन को मारने के लिए गिराए जाते थे। अब ये सारे फोटो काल्पनिक हैं। त्रिकुट किला, एक पर्वत, दूसरा पर्वत, तीसरा पर्वत, इसी त्रिकुट पहाड़ी से महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन आए थे, रथ लेके आए थे। अर्जुन को लगी थी प्यास, लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन के लिए वो कुप कुदाया था, जो आप देख के आए हो। वो कुप से सुदर्शन चक्र से कुदा था, और ये उनकी वंशावली, श्री कृष्ण की वंशावली। प्रेजेंट राजा हमारे ये चैतन्य राजू सिंह। जिन दिनों में दिल्ली और आगरा को बनाने वाले कारीगर जब वहाँ से उजड़ने लगे, तो कुछ कारीगर पूरब चले गए थे, कुछ कारीगर दक्षिण चले गए थे। सौभाग्य से कुछ कारीगर अपनी हथौड़ी और खैनी लेकर हमारी नगरी में आ गए थे, तो हमारे राजाओं ने उनका सम्मान किया था और उनसे ये 550 वर्ष प्रतिमाएँ, स्टैचू बनवाए थे। आप भी 550 वर्ष पुरानी स्टैचू देख के आइए अंदर, जो दिल्ली और आगरा से उलट के आए थे कारीगर, उन्होंने बनाई थी। पुरानी मूर्तियां हैं ये जो आप ये दो छत्र देख रहे हैं ना, ये हमारे राजा इस किले में दो मेले धूमधाम से मनाते हैं, एक गणगौर का मेला, दूसरा दशहरा का मेला। तो उस दिन जब उनका जुलूस जाता है ना, सम्मानित जुलूस निकलता है, तो उनके नौकर तकड़िए उनके सिर पर लेके चलते हैं। ये चौक देखेंगे आप, यहाँ पर क्या होता है, आज भी होता है। क्या होता है मालूम है आपको? होली वाले दिन इस किले के ब्राह्मण वर्ग के लोग हाथों में गुलाल लेके आते हैं, रंग गुलाल लेके आते हैं, और उस दिन हमारे राजा यहाँ से उनको दर्शन देते हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोगों को। हाँ, होली वाले दिन यहाँ से दर्शन देते हैं, फिर ब्राह्मण वर्ग के बुजुर्ग लोग राजा पे गुलाल फेंकते हैं, राजा उनका अभिनंदन करते हैं और राजा भी उनके ऊपर गुलाल फेंकते हैं। पुराने जमाने में ये तीनों दरवाजे दिन भर खुले रहते थे। राजा के 2 मंत्री, एक यहाँ बैठता था, एक यहाँ बैठता था। और वो देखिए, वहां से नीचे से जनता सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आती थी, फिर सामने खड़ी हो जाती थी, राजा जी से न्याय मांगती थी। फिर यहाँ मंत्रियों के बुलाने से राजा जी अंदर से आते थे और यहाँ बैठते थे, यहाँ बैठ करके न्याय करते थे। ये राजा का कोर्ट, राजा का न्यायालय। अभी तक आपने राजाओं का महल देखा है, अब आप यहाँ से ऊपर जाइए, पूरा तोप से देखा था ना व्यू, पूरा जैसे मैं ऊपर से दिखेगा, देख के आओ। फिर आधा महल में आपको यहाँ से रानियों को दिखाऊंगा। अभी तक आपने राजाओं का महल देखा है, रानियों का महल अब देखोगे। सर्वोत्तम विलास कहते हैं इसको। अब आप ये देखिए, राजा रानी का कमरा, ये तो हमारे राजा का शयन कक्ष है। नीचे देखेंगे आप, नीचे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ। अब जितना लंबा चौड़ा ये वाला कमरा है ना, ये वाला, उतना ही कमरा लंबा चौड़ा नीचे कमरा है। अब नीचे हमारी पटरानी का कमरा है, पटरानी होती थी राजा की मुख्य रानी, जिसके बेटे को राजा बनाया जाता था। क्योंकि पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर एक राजा के 5 रानियाँ 8 रानियाँ 10 रानियाँ होती थी, लेकिन बड़ी रानी जिसके बेटे को राजा बनाते थे वो नीचे रहती थी पटरानी। बाकी रानियों के कमरे में आपको वहाँ से नीचे उतरते थे, समय दिखाऊंगा। और राजा, ये राजा का शयन कक्ष। अब इस रूम में एक ही विशेषता है, और वो ये कि वो जो आप पोशाक देख रहे हैं, इन राजा का नाम था शालिवाहन सिंह, और ये 7.5 फुट के लंबे राजा थे, 7.5 फुट के। और ये उनका गाउन है, नाइट गाउन, ये उनका बेड बिस्तर। यहाँ आइए आप लोग, ये एक्चुअल में हमारी गणगौर माता जी है, गणगौर माता जी है। हमारे राजस्थान में ये पर्व है गणगौर। 16 दिन तक शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियाँ उपहास रखती है, एक टाइम खाना खाती है। अब शादीशुदा औरतें तो घर की
खुशहाली के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर और अच्छे घर के लिए गणगौर माता का मेला मनाती हैं। अब ये देखेंगे आप मैप, किले का मैप है पूरा, त्रिकुट किला 1 2 3, आप फर्स्ट गेट से आए थे, सेकंड गेट से आए थे, थर्ड गेट से आए थे, चौथे गेट से यहाँ दसरा चौक में आए थे, यहाँ दादा की कुर्सी थी, कुआं देखा था आपने, यहाँ मंदिर भी देखा था, ठीक है ना। ये तोप देखने गए थे, ये तोप देखी थी आपने यहाँ पर, तोप देखने के बाद आप यहाँ से आए थे, अपने अंदर एंट्री किया था, अभी आप छत पर थे, अभी आप रानी महल में आ गए, अब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे। बाकी ये 5,000 से भी ज़्यादा लोगों के मकान हैं, लोग रहते हैं, लिविंग क्वार्टर्स। महारानी कक्ष, अब आप ये देखिए, एक रूम वहाँ है, एक रूम यहाँ है। पुराने ज़माने में ऐसे बेशुमार कीमती कालीन कतरे चतरे यहाँ बिछे रहते थे, अंदर भी बिछे रहते थे, तब एक रानी उस कमरे में रहती थी, एक रानी यहाँ रहती थी। रानियाँ आपस में बैठ के चौपट पता का गेम खेलती थी, तो दो रानियाँ तो दिन भर याद बैठी बड़ी गेम खेलती रहती थी। आगे भी रानियों के कमरे आएंगे, आओ। उस ज़माने में राजा रखा करते थे, कोई 4, कोई 5, कोई 8 रानियाँ रखता था। ये सब उन रानियों के कमरे हैं। एक तो हमारे राजा ऐसे भी थे जिनका नाम था केहर सिंह, उनके अकेले के उस ज़माने में 21 रानियाँ थी, अकेले के सबसे ज़्यादा उन्हीं की थी। और ये सारे रूम्स रानियों के ही हैं, और सारे रूम्स में विंडो खिड़कियाँ हैं, क्योंकि रानियों को हवा आती थी, तो ऊपर वाले कमरों में रानियाँ रहती थी और नीचे वाले कमरों में दासियाँ, रानियों की नौकरानियाँ रहती थी। हाँ, अब आगे दासियों के, ये सारे सर्वेंट दासियों के रूम, किवाड़ बोलते इसका। हाँ, ये गाय के गोबर से बनाते हैं, ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है, अरे बड़ा ठंडा रहता है ये। और ये दासियों के रूम सारे, दासियों के नौकरानी। बिल्कुल, ये सब दासियों, इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी गैलरी। यहाँ से बाहर निकलते थे, यहाँ से बाहर। और अगर राजा को किसी को रोकना होना हो, जबरदस्ती किसी को पकड़ना हो, तो ये गोपनीय गेट, अगर कोई यहाँ से भाग रहा है ना, उसको पकड़ना हो ना, तो यहाँ ऑलरेडी सैनिक खड़े रहते थे, यहाँ खड़े रहते थे, और यहाँ से भागता तो उसको पकड़ लेते, अगर किसी को भागने ना दिया जाए अंदर बस, तो यहाँ ये खड़े रहते थे। आप बाहर आ गए, बाहर थोड़ी हवा लगती है। 2700 किसी ज़माने में इस नगरी में 2700 परिवार रहा करते थे। यहाँ के जैन धर्म के लोग पुराने ज़माने में ऊँटों के द्वारा कंधार, कराची, मुल्तान से सोना, चांदी और अफीम, इसका कारोबार पूरे यूरोप तक करते थे। यानी कि जिन जैनों ने वर्ल्ड फेमस पटुओं की हवेली को बनाया है, उन जैनों के पास तो आज भी पूरी एशिया में 1000 से ज़्यादा बड़ी बड़ी ज्वेलर्स की दुकानें हैं। 14वीं सदी में ये टेंपल बनवाए थे। जैनों के 2700 परिवार रहा करते थे, लेकिन आज विडम्बना ये है कि आज इस द्वीप के अंदर जैन परिवार का एक भी सदस्य नहीं रहता है। जैनों ने राजाओं से परमिशन मांगा था कि हमको किले पे मंदिर बनाएंगे, राजाओं ने परमिशन दिया कि तुम बना लो यहाँ पर, लेकिन एक शर्त है, राजा ने यह कहा था कि तुम मंदिर जो बनाओगे हिंदू शैली से बनाओगे। इसी प्रकार से अगर आप मंदिर में जाएंगे ना, तो आपको कहीं जगह गणेश, शिव, इसकी प्रतिमाएँ आपको देखने को नजर आएंगी। अब अपन पहुंच गए हैं यहाँ, आइए। ये सारे कमरे हैं अंदर, और ये 4 मंजिल का बहुत बड़ा महल है, राजगुरु का महल है। अंदर पंखे भी चल रहे हैं, अंदर पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, आपको पहनने के लिए पगड़ियाँ भी मिलेंगी, अच्छे अच्छे फोटो भी आएंगे अंदर आपके। और वो यहाँ पर काउंटर है, तो आप यहाँ से 2.50 की एक टिकट है, 2 टिकट आप यहाँ से ले लो, आप आधा पौन घंटा इसी में लगेगा। राजगुरु बूली दान जी ब्यास, हमारे राजा के गुरु, हमारे राजा के ब्राह्मण गुरु थे, इन्हीं के मुताबिक राजा हर काम करते थे, इन्हीं के निर्देश से काम करते थे। और ये जो हवेली है, ये राजगुरु जी की हवेली है, राजगुरु जी को ये हवेली हमारे राजा ने दी थी। अब ये पूरी जो हवेली है, इसमें कई विंडो हैं, कई खिड़कियाँ हैं, बालकोनियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, झरोखे हैं। ये हमारे राजा थे, इनका नाम था ब्रजराज सिंह जी। 2 साल पहले इनका निधन हो गया, 52 साल की उम्र में। अब इनके बेटे हमारे राजा हैं, जिनका नाम है चेतन राज सिंह। ऊपर आइए आप, ये सारे बर्तन भी राज परिवार के हैं। उसमें दाल बनाई जाती थी, उसमें चावल बनाए जाते थे, ये दाल चावल निकालने का चम्मच, वो किचन का पानी, इसमें बूंदी बनाई जाती थी, दही बिलोना करते थे और आइसक्रीम जमाते थे, इसमें सब्जियाँ डालते थे, इसमें चपातियाँ रोटियाँ डालते हैं,
चपातियाँ, और जितने के लोग इनमें आज भी अनाज भर के रखते हैं, चावल दाल बोगर तांबा और कांसा, उसके बर्तन है ये सारे। यहाँ फूल पत्तियों के गिलासेज हैं, गिलासेज है जूस शरबत के गिलासेज हैं, अचार की बढ़िया है, इंटर या परफ्यूम, वो इंटर है, वो इंटर परफ्यूम, ये पुरानी लाइट। अब आप यहाँ देखेंगे राजाओं के जमाने की ये कुर्सियाँ हैं, राजाओं के जमाने की वो छड़ियाँ हैं, राजाओं के जमाने का ये ग्रामोफोन है, राजाओं के जमाने का ये बेड है, और राजाओं के जमाने की दूरबीन कैमरा रेडियो, ये राजघराने के जमाने के हैं, इसमें वो इंटर डालते थे छिड़काव इंटर डाल के, और ये पिक्चर होली के लिए वो पिचकारी होती थी राज परिवार के, और ये एक लाइट है चिमनी, इसको चिमनी बोलते हैं, और ये एक छोटा सा टेम्पल है, ये पोशाक ऊँट को पहनाई जाती है, कैमल कैमल की, हाँ ऊँट की पोशाक है। इनका नाम है चैतन्य राज सिंह, इनके पिता की फोटो मैंने आपको नीचे दिखाई थी, और चौपट पता कौरव पांडव ने खेला था, ये हवा के लिए होता था। फिर आप ऊपर आइए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सुपारी कटर थे, राज परिवार के जमाने के सुपारी कटर थे, विभिन्न प्रकार की कैंचियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के ताले हैं, और विभिन्न प्रकार की चाबियाँ हैं, और विभिन्न प्रकार की टॉर्च, और विभिन्न प्रकार की पेस, और ये पुरानी करेंसी है, और ये हारमोनियम, वो खड़ताल, ये रावण हत्ता, ये मुख छंग। तो ये है जो हमारा, और चलते हैं बैठी, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा, मतलब मेरे द्वारा नहीं, अंकल के द्वारा वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आया होगा। अंकल के लिए आप लोगों के लिए क्या बोलना है कमेंट बॉक्स में लिख देना, अंकल के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। अंकल ने देवानंद जी को भी गाइड किया यहाँ पर, कौन सी सन में किया था अंकल? 1999 में देवानंद जी आए थे, तब मैंने इनको भ्रमण करवाया था ये किला देवानंद जी को, मतलब 1999 में देवानंद जी आए हुए थे तब अंकल ने भ्रमण कराया था, और अंकल का शुभ नाम है महेश संगाणी, महेश संगाणी है, और ब्राह्मण जाति के हैं, और इसी फोर्ट में रहते हैं, जैसा अंकल ने बताया था। कितने लोग रहते हैं अंकल यहाँ? 5000 लिविंग फोर्ट है, उस हिसाब से यहाँ पर 5000 लोग रहते हैं, और आप लोगों के आधे राजपूत आधे ब्राह्मण, आधे राजपूत आधे ब्राह्मण, तो मैं राजपूत आप ब्राह्मण। तो आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दे नोटिफिकेशन के साथ में, ताकि मेरे ऐसे ही आप लोगों के ऐतिहासिक वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, नई जगह। धन्यवाद।